वहीं अफ्रीकी देश केन्या में मंगलवार को नए टैक्स बिल के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वे संसद के बाहर लगे बैरिकेड्स को पार कर अंदर घुस गए, जहां सांसद बिल पर चर्चा कर रहे थे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद में आग लगा दी। इस दौरान पुलिस की फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब 31 लोग घायल हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस प्रदर्शन में ज्यादातर युवाओं ने हिस्सा लिया। वहीं संसद में हिंसा के दौरान सांसदों के एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए बाहर निकाला गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने संसद के परिसर में तोड़फोड़ भी की। वहीं केन्या में मौजूद भारत दूतावास ने भी नागरिकों को सावधानी बरतने की अपील की है। भारतीयों से कहा कि वे बेवजह घर से बाहर न निकलें और हिंसा वाली जगहों से दूर रहें, साथ ही लगातार दूतावास के संपर्क में बने रहें।